हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कंसाइज मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जो बैंकिंग है, इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाए गए हैं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आशीष डिपॉजिट अ सर्टन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें बता रहा है कि आशीष है जो एक आरडी ओपन किया है 12 मंथ्स के लिए, और लेकिन इसमें अभी यहाँ पे मनी नहीं बताया गया कि कितना मनी वो पे कर रहा है। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड आशीष गेट्स 12,715 रुपीज एज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। इसमें बैंक उसको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ पे 11% पर एनम इंटरेस्ट दे रहा है और आशीष को उसकी मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है 12,715 रुपीज। वट इज द सम डिड ही पे एवरी मंथ। अब वो कितना पैसा जमा कर रहा है हर महीना, जिस महीने जिससे उसको मैच्योरिटी वैल्यू 12,715 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो हमको इसमें यहाँ पे पर मंथ उसका डिपॉजिट अमाउंट देखना है कि कितना वो दे रहा है, जमा कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 12 मंथ्स। हमें अमाउंट नहीं पता है कि वो इनिशियल अमाउंट पर मंथ कितना जमा कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम इसको आरडी जो उसने ओपन की है वो 12 मंथ के हिसाब से कुछ अमाउंट एक्स रुपीज़ वो जमा कर रहा है यहाँ पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, मैच्योरिटी वैल्यू 12,715 रुपीस मिल रही है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना वो पर मंथ जमा कर रहा है। अब देखिए इस बुक में पेज नंबर 16 पे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि कितना मैच्योरिटी वैल्यू आपका आरडी अकाउंट में मिलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए रिकरिंग डिपॉजिट इज इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। तो टोटल सम डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि आप हर महीने कितना पैसा जमा कर रहे हैं और प्लस आप कितने महीने तक जमा कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पी क्रॉस एन, मतलब जितना पैसा आपने जमा किया और नंबर ऑफ पीरियड। फिर इंटरेस्ट ऑन इट का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी इंटू एन एन प्लस 1/2/12 इंटू आर बाई 100। बस सिंपली हमको इसी फॉर्मूले में हमारी वैल्यू रखनी है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। तो हमारा टोटल सम डिपॉजिट कितना होगा, पहले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स मंथ है, एक्स रुपीस पर मंथ है, प्लस हमें नंबर ऑफ पीरियड दिए हुए हैं 12 मंथ, तो ये हमारा टोटल सम डिपॉजिट हो जाएगा 12x। अब हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस एन एन प्लस 1/2/12 इंटू आर बाई 100। पी की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स मान ली है, एन हमारा है 12, 12 प्लस 1/2 क्रॉस 12, आर हमारा 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये 13 × 11x/200, 13 × 11 आपका होगा 143x/200। तो अब हम इस वाले एक क्वेश्चन में हम रख देंगे, इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2
then put these values in equation A. So maturity value is equal to, यहाँ पे टोटल सम डिपॉजिट आता है हमारा 12x प्लस इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 143x अपॉन 200. हमारा मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है वो 12,715 है. 12,715 इक्वल टू इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24x प्लस 143x अपॉन 200. अभी हमारा 2400 तो टू इसको ऐड करने पे आएगा 2543x अपॉन 200. 2543x अपॉन 200 इज इक्वल टू 12,715. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12,715 इंटू 200 बाय 2543. अब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2543 ट्रिपल ज़ीरो है तो ये आपका कट के 1000 आ जाएगा. रिकरिंग डिपॉजिट पर मंथ हमारा होगा 1000 रुपीस. यही हमें इसमें पता करना था. जो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था व्हाट सम ऑफ द मनी डिड ही पे एवरीवन, सो ही पे 1000 रुपीस पर मंथ टू गेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रुपीज 12,750.